तो बहुत सारी ऐसी मोमेंट है जो सुरांग के तो मैंने गुजारा वो एक नहीं है वो बहुत है बहुत चार्मिंग ये yeah. बहुत ज़्यादा चार्मिंग था मतलब बहुत मुश्किल होता है मुझे था बोलना उसके लिए आज भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग Welcome to the Humans of Bombay show. Um, very excited to have you and hear about your world. Uh, so, thank you for coming. Thank you so much for calling. So, I have a very interesting question. You've been in Bombay last 15 years and uh, taking actors to their dream, right? Like launching actors, giving them the platform. But you're from Delhi. Uh -huh. you're originally, you ho from Delhi. You were from Punjab, se ho, but grew up in Delhi. In Delhi mein, ha. So, how did a uh, Delhi boy come to Bombay? Um, दिल्ली में एक आई नो इफ यू नो बट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एन एस डी जो एक कंपनी है टी आई कंपनी जो बच्चों के साथ काम करते हैं वर्किंग एज एन एक्टर एंड टीचर आई वर्क ड्यू फॉर नाइन ईयर सो लॉर्ड ऑफ फिल्म मेकर वेन एवर इज टू कम टू डेली टू शूट डेली पोजिशन फिल्म के अंदर थे कि यार एक बच्चा काज करते हैं है तो सब लोग बोलते थे मुकेश के पास चले जाओ सो आई स्टार्ट लॉर्ड ऑफ फिल्म मेकर बाई सजेस्टिंग सम स्मॉल एक्टर फॉर वन सीन रोल और वन चाइल्ड वन ड्राइवर असिस्टेंट डायरेक्टर बट व्हाई यू क्या थीट पता नहीं आई थिंक एक्टर सबको मैं जानता था पहले से तो आई एंड की बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुड विद चिल्ड्रन बिकॉज मै होल एजुकेशन इज बहुत चिल्ड्रन देयर सो आई थिंक दे गॉट टू नो कि एक बच्चा चाहिए तो उसको फोन करो आई थिंक बहुत कभी सोचा नहीं था कि वाई आई एम टू स्टार्ट दिस कास्टिंग जॉब सो मैं रंगे बसंती आई वॉज असिस्टिंग राकेश ओम प्रकाश मेहरा दो दूस टू गिव मी कैन यू गेट दिस कॉलेज क्राउड वी नीड वन सीन एक्टर दिस में अभिषेक बैनर्जी था नाउ रिमेंबर वेरी एक्टर चेतन जवेरी चंदन है सनयाल तो सब रंगे बसंती में सब छोटे छोटे रोल के थ्रू आए थे बट दैट एम असिसटेंट डायरेक्टर सो देन आई रियलाइज कि एवरी वन टेलिंग मी यू शूड डू दी प्रोफेशनली इंडिया में नो वरी इज टेकिंग दॉब सीरियसलीनली आई रिमेंबर हनी पाजी हनी त्रियान वज ओनली कास्टिंग प्रॉपरली ओनली फॉर विशाल भारद

हमने बोला इस फिल्म को कास्टो करना है तो डेट्स ऑफ वी स्टार्टे प्रोसेस तो एक डेढ़ साल लगा पूरे लोगों को ढूंढने में क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ कास्टिंग फाइंडिंग एक्टर आई ट्रेवल दिल्ली में बॉम्बे में बनारस में बिहार में जहाँ जहाँ हो सकता था आई फाउंड ऑडिशन एटलीस्ट मोर देन एटीन थाउजेंड पीपल डैट टाइम तो आप फोन का ऐसा नहीं था कि मोबाइल पे सब कैमरा लेके हम लोग ऑडिशन करतेट्सिपू स्टार्ट तो hmm. वो पूरा का प्रोसेस एक डेढ़ साल लग गया जहाँ से अब जी जयदीप

के अनुराग को क्या चाहिए राजू सर को क्या चाहिए या एम टी आर्च को क्या चाहिए राज एंडी को क्या चाहिए तो आई एक्सली सिट विद देम एंड अंडरस्टैंड रिजन एंड देन आई फॉलो माई इंस्टिंग क्योंकि आई ऑलवेज ये दैट कास्टिंग डेटा कि कितना आपके पास डेटा है मेरे पास पचास लाख एक्टर का डेटा होगा बट किसको राइट जगह डालना इंस्टिंग काम करता है लुक इट द एक्टर यहाँ पे विफ एम लुकिंग एंड ऑल ऑफ यू का फिगर हो कि इसको किस रोल में डालना है किस जगह पर डालना है आई ओनली बिलीव इन माई इंस्टिंग रीजन मेरा इंस्टिंग काम करना बंद कर देगा लीव कास्टिंग सो वॉट योर इंस्टिंग राजजाम्पल हाँ क्योंकि राजकुमार को जितने भी ऑडिशन के लाइफ में आई थिंक वो शाहिद कायपुरचे क्वीन शुरू की वासीपूर वो जैसी ऑडिशन का किसी भी रूम में घुसता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो कहाँ डग्नोर है ये ओनली एक्टर जिन्हें अगर दस ऑडिशन दिया नो उसने क्रैक किए हैं तो बहुत कम एक्टर होते हैं जो हर ऑडिशन में आते हैं क्रैक करके चले जाते हैं तो हाँ है सिर्फ ये एक्टर है कहीं भी भेजो ये करेक्ट करके आएगा दैट राजकुमार बेस्ट पार्ट एंड इज सो रियल ही सो ऑनेस्ट ही ओनली एक्ट उसके अंदर कोई और चीज नहीं सोचता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ मुझे कैसे दिखना चाहिए मेरे बाल कैसे होंगे वो सिर्फ एक्टिंग करता है और तो उसको जितनी बार भी बुला लो एक राउंड हो दो आई रिमेंबर कायपोच में फिफ्टीन राउंड हुए थे शाहिद में फिफ्टीन राउंड हुए थे इमिजिएट हाँ भाई कब बोलना आ जाता हूँ कब बोलना वो जो उसके अंदर जो करने के चाहत थी परफॉर्म करने की वो आज तक है आई hmm. थिंक सबसे बड़ी बात होती है जो राजकुमार को यहाँ पे लेकर आए। सेम विजय आई थिंक सब लोग कहते हैं एक कॉमन बात होती है कि वो जब भी उनका परफॉर्म के लिए बोलो वो रेडी रहते थे hmm. क्योंकि बहुत सारे एक्टर होते हैं कल आऊँ या परसों आऊँ उनको ऑडिशन करने आधे घंटे में उनका भी उनका भी इंटरव्यू हुआ है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उस कहानी के बारे में इतने लोगों को मैं बोल चुका हूँ क्योंकि पंकज और मैं दोनों ड्रामा स्कूल के आसपास के एन एस डी में तो मैंने उसका प्ले भी बहुत सारे देखे हैं और एक फिल्म क्या था चिल्लर पार्टी हमारे साथ जिसमें बहुत फनी रोल कहता था बट आई मुझे पता था उसके पोटेंशियल एज एन एक्टर क्या है सो अनुराग हैड नो आइडिया अबाउट पंज त्रिपाठी ही वॉटेड सम अदर एक्टर एंड ऐसे आई वॉन्ट पंज त्रिपाठी दिस अर नो आई वॉन्ट टू डोंट फेस आई डोंट नो हो दिस गाय इज ऐसे काम करते हैं लेट मी ओलिशन पंकज त्रिपाठी एंड अदर गाय यू रिकमेंडिंग लेट मी ऑलिशन बोथ ऑफ दैम सो आई स्पेंड वन फुल डे विद पंकज वन फुल डे विद अदर एक्टर पंकज वॉज शूटिंग अ फिल्म इन कैलकटा ही फ्लू डॉन एज अ कम फॉर मी दिस कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ प्लीज़ कम मुकेश भाई आता हूँ तो ही फुल ऑडिशन किया उसका अदर एक्टर का I it, show it. I said, ये देख लो आई एम गोइंग अनुराग ऑडिशन बोला यू आर राइट लेस्ट गो विद दिस जब आपका खुद किसी को बिलीव होता है तो यू हैव टू पुश कि यार ये करेक्ट है यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट मुझे लगता था कि मेरा राइट है कि इसके लिए फाइट करना क्योंकि कि अगर इफ़ आई

एक तो साउथ की फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर का कल्चर नहीं है और एटली साउथ से आ रहे हैं तो उनके साथ सबसे पहले तो अपनी ट्यूनिंग को बिठाना टू अंडरस्टैंड हिम एंड हिज विजन वाले डिविजन फॉर मी बिकॉज क्या बॉलीवुड में सबके साथ काम किया तो एक ट्यूनिंग है राजू सर के साथ ट्यूनिंग है इम्तियाज के साथ है सबके साथ है तो एटली के साथ एकदम कम्प्लीट न्यू वर्ल्ड है एंड ही सेट ऑलवेज सेट बड़ा सोचने का आई वॉन्ट टू थिंक बिग आई वॉन्ट टू थिंक बिग आई बेक टू थिंक बिग एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट था शुरू में एटलीस्ट दो महीने तो हम लोगों का इतना फ्रिक्शन हुआ लड़ाई होती रही बातचीत नहीं होती थी नहीं समझ में आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वट ही वॉन्ट्स देन आई थिंक हमने बात करते करते भी फिगर आउट कि हमको चाहिए क्या क्योंकि पैन इंडियन फिल्म है बड़े स्किल की फिल्म है तो वॉन्ट टू तो मिक्स विद द न्यू एक्टर एंड सम न्यू एस्टैब्लिश फेसी डेट वॉज सुनील गुरोवर भी थे योगी बाबू भी थे प्रिया मनी भी थे तो आलिया कुरिजी न्यू गर्ल संजीद धव न्यू गर्ल लहर लहरवाज न्यू गर्ल सान्या क्रीजा ओक तो ये मिक्स और मैच करना था तो उस प्रोसेस में पूरा एक डेढ़ दो साल तो चले गए थे कि और इतने सारे रोल थे अगर आप देखोगे जवान लोगों को से भी पाँच गैंग दिखता है लेकिन हर चाहे वो साइड में कॉप हो चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे मिनिस्टर से इतने लोग थे वो सब में जो है वो बहुत टाइम लगा था तो आई थिंक वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो था डिफ़िकल्ट होता है कि एक डायरेक्टर को अपना विजन समझाना करेक्ट कि और उसका उसको समझना उसको चाहिए क्या वो सबसे डिफिकल्ट होता है कास्टिंग में क्योंकि हमको लगता है कि एक्टर बहुत करेक्ट है और वो बोलेगा वो यार तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है कोई एक्टर तो एक ही है पर वो अपने जिस तरह से वो देखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है तो सबसे डिफिकल्ट होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना हुँ. तो वो जो इंपॉर्टेंट था मेरे साथ जो मुझे बहुत चलेंजिंग लगा था कि एटली को ब्रेक करना है कि एटली को समझना है हुँ. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था

फन है तो उन्होंने बोला कि ठीक है करते हैं तो, तो दैट्स व्हाई स्टार्ट फॉर फन आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग इसलिए करता हूँ कभी कभी कैम्यू करता हूँ चाहे वो स्कैम में हो चाहे वो कमांडो में हो या किस लिए करता हूँ कैम्यू ताकि लोग छुट्टी में जाते हैं ना हॉलीडे ले लेने के लिए मैं दो तीन दिन की एक्टिंग करके अपने आप को

और yeah. कुछ नहीं वर्क करता yeah. क्योंकि तो जो, जो लोग मुझे बोलते थे वो आज भी पार्टी कर रहे हैं और <laughs> तो वो सबसे बड़े बात मेमोरेबल मोमेंट्स क्या थे कास्टिंग के गुड और बैड गुड तो ये होता है कि जब आप जब आप कास्टिंग फील्ड में आते हो बहुत सारे लोगों को आप काम करते हुए देखते हो यू सी दम डूइंग सो वेल मेरे लिए मेमोरेबल था जब गैंग्सर से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया ऑबियसली क्योंकि एक टेक्नीशियन को लोग जब पहचानते वेरी गुड जॉब तो अच्छा लगता है करेक्ट बैड यह था कि जब लॉड ऑफ पीपल जिनका सिलेक्शन नहीं होता दे गेट एंग्री दे गेट अपसेट दैन दे सेंड यू रूड मैसेजेस यू नो यू गेट अब तो वो थो थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये ऐसे बहुत से लोग हैं जब मेरे रिमेंबर एक फिल्म के दौरान आई डोंट नेम द देखो रियली अपडे ब्रोक में गाड़ी का शीशा एंगर में मुझे कास्ट नहीं किया मैं भी तो ठीक था तो वो सब भी एंगर था तो वो सब भी चीज़ें होती हैं बट आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेड साइड ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज सब भी इतने होपफुल होते हैं इस लाइन में आने के लिए yeah. तो वो है गुड पार्ट यह है कि कास्टिंग में जो प्यार मिलता है

अपने एक्टर को यू सी डूइंग सो वेल लाइक जब एक फादर अपने बच्चों को स्टेज में परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना तो यू फील नाइस कह रहे सुशांति राजकुमार डूइंग सो वेल इज डूइंग डूइंग सो सो वेल वेल तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बस वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है वही हमारी किक है ऐसा तो नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा लोग पहचानते हैं हम तो इंडस्ट्री के लोग ही जानते हैं बहुत अच्छी बात होती है आपके हिसाब से विच इज़ द बेस्ट फिल्म दैट कास्ट फॉर टिल देश सो मैनी

अपॉर्चुनिटी वर्ग एक्टर्स के लिए hmm. सबसे इम्पोर्टेंट और अभी कोई प्रेशर नहीं होता कि से से कास्ट को कास्ट करने का जो भी करेक्ट है उसको कास्ट करते हैं इफ़ यू सी प्रतीक गांधी यू सी स्कैम टू गगन यू सी प्रिया मनी फैमिली मैन यू सी शफाली शाइन डेली क्राइम एंड महारानी में हुमा अभी सिर्फ जो एक्टर करेक्ट है ना और जो नए भी हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट अ स्टार सब लोग इतली एंड बिकॉज ऑफ ओ टी टी विजय वर्मा इज ऑल्सो स्टार सुपरस्टार जैदी बे दोस्तों सुपरस्टार आई थिंक ये सब रसिका दुग्गल ये सबके सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओ टी अभी ऐसा नहीं है कि यार ये फिल्म के एक्टर हैं ये, है, ये सब स्टार्स हैं इनके वजह से शोज चल रहे हैं अनदर फेवरेट टॉपिक नेपोटिज्म सो ये क्वेश्चन है कि नेपोटिज्म कास्टिंग में हाउ मच इज द गैप बिटवीन अ स्टार किड एंड एन अपकमिंग एक्टर इज वेरी टैलेंटेड लाइक इज देयर अ लार्ज गैप और यू थिंक दैट अब वो कम हो गया है स्पेशली विद कम आई थिंक वो कम हो गया है अब okay. लोगों को समझ में आएगा जो भी अच्छा है ना उसी को मौका मिलेगा ऑल द पीपल आर वर्किंग वेल वेदर विकी और राजकुमार और आयुष्मान कार्तिक सानिया कृति तृप्ति डिमरी ये सब बाहर के लोग हैं ऐसा नहीं है कि सब जो इंडस्ट्री के भी हैं लेकिन बाहर के भी बहुत ज़्यादा लोग हैं आई थिंक जो हम आलिया भट्ट के बारे में कभी नहीं बोलते ना क्यूशी सच अ ग्रेट एक्टर

आई थिंक मैं लगता है कि जो अगर सही है उसको काम मिलना चाहिए अगर आप नेपोटिज्म से आए हो या आप लाइन में खड़े हो जो अच्छा परफॉर्म कर उसको मिलना चाहिए ऑफकोर्स उनके अपॉर्चुनिटी मिलती है आपसे पहले परफॉर्म करने की उनको एक चांस मिलेगा दो मिलेगा तीन मिलेगा अल्टीमेटली ऑडियंस रिजेक्ट दैन इफ दे नॉट गुड वैन जब रणबीर कपूर आते हैं तो सब लोग प्यार से बोलते हैं वॉट एन एक्टर एंड ही इज द बेस्ट एक्टर इन कंट्री एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि यू नो व्हेन

और चाहे श्रुति महाजन हनी जोगी कविश दे डूइंग सो वेल अभी तो आई थिंक जो एक्टर है उन सबको मालूम होना चाहिए कहाँ पर जाना चाहिए कि जब हमने स्ट्रगल किया था हमको मालूम था कहाँ जाना है ना फ़ोन थे ना इंटरनेट था कैसे मालूम है ना ऑफिस थे आई थिंक अब तो आपको जाना चाहिए अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए दैट इज़ द रीज़न वी मीटिंग नॉट ऑफ एक्टर अगर हम क्योंकि तभी तो नए टैलेंट आ रहे हैं क्योंकि वो हम तक पहुंच पा रहे हैं अब जिसको नहीं पता कैसे पहुँचने तो उसकी लैक ऑफ नॉलेज है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है उसको इंफ्रुएस अब तो है ना अवेलेबल है गूगल पे इंटरनेट पे हमारा क्रेडिट आता है पढ़ना चाहिए जाना चाहिए तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी है ना कि जाके पता करें hmm. उन लोगों को भी लगता है कहीं नहीं जाना घर बैठे रहने ताकि हमको फोन आ जाएगा दिस इज ऑल्चल अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्टिंग इज यू नो द कास्टिंग काउट हैज एग्जिस्टेड हाउ कैन पीपल यू नो बी केयरफुल यू नो इस ट्रैप में

अबाउट लोगों के बारे में आपने कि आप कौन लोगों से बात कर रहे हो कहाँ पे जा रहे हो सबके सोशल मीडिया पेज हैं सबके बारे में गूगल में आते हैं सबके क्रेडिट में नाम जाता है अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर है अगर आपको फिल्म के बारे मेंशन करें तो प्लीज़ गो ऑनलाइन रीड अबाउट डैम अगर वो फिल्म में है तो उनका क्रेडिट तो हो होगा ही होगा आई थिंक बहुत सारे एक्टर क्या करते हैं दे जस्ट आर्ट बिलीविंग इट दे डोंट डू रिसर्च दे शुड रीड अबाउट डैम प्रॉपरली कि कौन है कहाँ से आए क्योंकि हम लोग ऐसे चले जाते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम एक्टो के अगर आपको किसी स्कैम में नहीं जाने तो आपको पूरी रिसर्च करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है hmm. क्योंकि ये बहुत ग्लैमर फील्ड है आपके बहुत मेरे नाम से आई रिमेंबर एटलीस्ट हर हफ्ते हर महीने में एक पोस्ट तो डालते ही कि फेक दिस पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ एचड़ा कास्टिंग कंपनी लॉट ऑफ पीपल राजस्थान मेरे नाम से कुछ बिहार में है कुछ कहीं पर है सब जगह ऐसा होता है आप कितना अवेयर कर सकते हो और आप कितना अवेयर हैं अपने बारे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अबाउट कास्टिंग का काट कि मैंने इसलिए ऑफिस खोला था टू मेक दिस लुक प्रोफेशनल सो दैट पीपल कैन कम विद लॉर्ड ऑफ लव एंड सेफ्टी मेरी सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं हमेशा कि कैफे में जो कास्टिंग होती है जो कहीं भी लोग डिस्कस करते हैं कास्टिंग को तो वो कल्चर बंद करना था इसलिए ऑफिस सबसे पहले खोलने का जो इंटेंशन था कि पहले तो इसकी जगह बनानी चाहिए स्ट्रीम लाइन कर करना सो सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रीम लाइन करना है तो वो क्या और आपको आज के टाइम पे ऐसा क्या है कोई आपके इंसिडेंट होता है तो आप सोशल मीडिया है चाहिए पता किसी तो उनके बारे में लेके आप तो सब कुछ अवेलेबल है ना ऐसा तो नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है तो आपको सब है जाइए बोलिए बताइए एंड यू वे मैनी एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर आपने डायरेक्शन भी ट्राई की दिल बेचारा के साथ वो डिसीजन कैसे आपने लिया कि इस वक्त पर मुझे डायरेक्ट करना है आई थिंक डायरेक्शन ऐसी ऐसी जब आपका दिल करे ना तभी आपको फिल्म बनानी चाहिए क्योंकि जब उस वक़्त मन किया जब आई रिमेंबर जब वो फिल्म के बारे में मुझे रुचा भाटक ने पहली बार बोला hmm. तो फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट थी जब आई मैंने जब स्किप को पढ़ा और जब उस पर काम कर रहे थे तो वो सच एन इमोशनल फिल्म hmm. और आई मैंने वो फिल्म बना पाया ओनली बिकॉज ऑफ सुशांत इसट कि भाई जब भी आप अपनी पहले फिल्म बनाओगे मैं काम करूँगा एंड वो मुझे प्रॉमिस किया था आफ्टर क्या पहुंचे फर्स्ट yeah, फिल्म मैं वो करने वाला हूँ मेरा स्क्रिप्ट ऐसे भी इसके बनी पड़ी है बहुत अच्छी है और क्या बोलते हैं करते हैं सो यू नो कि उसने भी मुझे पूछ किया और लटसा वाई मैं दिल बेचारा कि मेरा दिल हमेशा बोलता है कि यारा कभी सुशांत ना होता है मैं पिक्चर नहीं बना पाता थैंक्स टू रुचा जिसने सोचा कि तू अच्छा एक्टर अच्छा अच्छा काज करता है यू नो हाउ टू ऑडिशन पीपल यू कैन टेक आउट दर्फॉर्मेंस डो दिस You a very close relationship with with Sushant Singh Rajput uh, from Kai Poche to of of course your directorial debut with What are some of the most बहुत सारे हैं huh? क्योंकि आप एक आदमी के साथ सात आठ साल गुजारे हैं hmm. तो एक तो हो गए नहीं आप इतने सारे अब जब आप जब एक इंसान चला जाता है तो फिर आप सारे मोमेंट के बारे में सोचते हो नहीं तो आप साथ में सिर्फ जीते हो बहुत सारे। उसका ऑफिस में रहना और वहीं पर सारे उसके ओरिशन तैयारी करना और वहीं पर अगर वो किसी फिल्म की तैयारी भी कर रहा है तो वो भी मेरे ऑफिस में बैठ के ही करता था जिस फिल्म का हिस्सा मैं नहीं भी हूँ <laughs> तो वहीं बैठा रहता था एंड ही यूज टू लव पराठा मेरी माँ के हाथ का तो मई मदर कुक फॉर हिम एंड नोट मई मदर इज वाल इधर के अब दोनों ऊपर बैठ के पराठे खा रहे हो जैसे आपने कहा कि यू 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 नो सॉ सॉ समथिंग डिड फील हिम फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चार्मिंग yeah. बहुत था मतलब बहुत मुश्किल होता है मुझे था बोलना उसके लिए आ, आज भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग कि वो आप पाँच जैसे हमेशा बोलता हो जैसे शाहू सर को आप देखते हो ना आप देखते रहते हो तो सुशांत के साथ भी सेम जाम था कि उसके साथ जब बात करोगे ना एक तो इतना इंटेलिजेंट है वेल well रेड तो वो जिस भी टॉपिक पर बात करो उसके बाद उसका लॉजिक होता था वो बातचीत करता खेलता भी था डांस भी करता था उसको हर वो सब काम करना था जो जिससे वो अपने आप को बिजी रख सके आई थिंक वो बहुत ज़्यादा जब उसने ऑडिजन दिया पहली बार आई रिमेंबर कि मैं इमीडिएटली बोला कि ये इज गोइंग टू मेक इट वेरी बिग या एंड ही डिड फ्यूचर yeah. yeah. uh, <laughs> सुशांत के बारे में अगेन विद वेरी आईकॉनिक लाइक शाहरुख खान रितिक रोशन दीपिका पादुकोन टलास्मो राजू सर के साथ मेरी ये थर्ड फिल्म है पी के की अदर फिर संजू की अदा और बहुत सारे एड्स किए हैं अब जब ये फिल्म

आई थिंक वो टॉप में दोनों अपने गेम के टॉप बादशाह हैं दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो कमाल की बात है एंड उसके अंदर कास्टिंग में बहुत मजा आए एंड uh, क्योंकि राजू उसके साथ ट्यूनिंग है इतने साल साथ में काम किया है तो मज़ा पूरा का पूरा फिल्म स्कूल है वो It's an institution. It's पूरा इंस्टीट्यूट है hmm. पूरा स्कूल है वो hmm. तो आपको इतना सीखने को मिलता है उनसे कि आपको यू आई डोंट थिंक अगर आप राजू के साथ काम करो किसी फिल्म स्कूल में जाने की जरूरत है वो सब बेकार है वो एक अपने आप में पूरा स्कूल है एंड देन फाइटर सिद्धार्थ आनंद के साथ काम वही क्योंकि ये सब बड़े डायरेक्टर हैं सब कमर्शियल फिल्म बनाते हैं इन के साथ काम करने का फायदा ये होता है परसन ग्रो क्योंकि मैं हर मेरी आई थिंक आई एम लकी टू वर्क विद फ्रोम टॉप टू बॉटम सबके साथ काम किया जब वो न्यू कमर हो डायरेक्टर या फर्स्ट टाइम हो या पांच फिल्म बनाया हो या बहुत सीनियर हो आई वर्क विद डेविडनोब्बास मसान वो आई एम लकी दैट मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिलता है तो अब सिद्धार्थ के साथ काम किए तो एक अलग साइड देखने को मिली कि हाउ ही

चल नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता यू 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 टू 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 वर्क 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 सस्टेन योर एंड हार्ड इंपॉर्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का काम है ना yeah. yeah. mm. oh, yeah. yeah, yeah. बहुत जल्दी आपको मिलता है <laughs> आपको वो अटेंशन नहीं चाहिए आपको रोज काम करना है Try to make it. Everybody hmm. wants to be a superstar, hmm. but very few get that superstar status. आपका एडवाइस क्या रहेगा जो बॉलीवुड में बड़ा बनना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि खुश रहें क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि, कि यहाँ पे ना सक्सेस रेट बेशक बहुत कम हो लेकिन उसका पीरियड बहुत लंबा हो सकता है किसी को एक साल बाद मिले किसी को दस साल बाद फिफ्टीन बाद अगर आप उस प्रोसेस में खुश नहीं है ना तो डोंट बी इन दिस फील्ड काम के तलाश के चक्कर में डोंट लूज योर हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट बी हैप्पी मैं हमेशा बोलता तो, हूँ जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं ना वो दूसरे को देख के आते हैं कि देखो वो कहाँ पहुँच गया वो आगे निकल गया एक तो हमारा सोशल मीडिया ने भी तो हम लोग एक दूसरे से ऐसा कॉम्पिटिटिव बना दे hmm. दिया देखते रहते हैं आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस बी हैप्पी क्योंकि इस लाइन का कुछ पता नहीं यू माइड गेट सक्सेस टूमारो यू माइंडर ट्वेंटी ईयर्स तो आप कितना पेशेंटली अपने आप को ग्राउंड रख के काम कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि mm. हमको बहुत लगता है ना नरे जयदीप जयदीप पंद्रह साल से यहाँ पे काम कर रहा है विजय वर्मा भी बारह साल लगा कि कब से लगे हुए हैं जिनको आज जाके सक्सेस मिली है mm. तो कितना पेशेंट रख सकते हो और कितना खुश रह सकते हो प्रोसेस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट एडवाइस आई आईट थैंक यू यू सो मच थैंक एंड आई होप दैट ऑन दिस बिजनेस Thank you so much. Thank you so much. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.